नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूरल 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दीजिए खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पूर्व सांसद का मनाया गया जन्मदिन। अक्षय यादव ने जन्मदिन के दिन मांगा गिफ्ट में फिरोजाबाद की जनता से एक बार पुनः सांसद बनने का मौका और विश्वास दिलाया जो काम इस सरकार ने नहीं किए हैं जनता के लिए वो सब कार्य, चाहे महंगाई हो या रोजगार, इन सब को जिम्मेदारी के साथ करने का कार्य करेंगे जनता के लिए। फिरोजाबाद समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय पर पूर्व सांसद अक्षय यादव का जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। पूर्व सांसद अक्षय यादव अपने जन्मदिन के मौके पर ऐसे 10 बच्चों के साथ जन्मदिन मनाने पहुंचे जिनका जन्मदिन आज ही के दिन है। उनका कहना है किसी भी खुशी के मौके पर अकेले सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। सच्चे समाजवादियों का उद्देश्य सदैव यही रहा है कि चाहे खुशी का मौका हो या कोई अन्य मौका हो, सभी को साथ लेकर चलना है और यही समाजवाद कहलाता है। इस मौके पर फिरोजाबाद जिला समाजवादी पार्टी कार्यालय पर बड़ी संख्या में समाजवादी समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा और सभी ने पूर्व सांसद अक्षय यादव को जन्म दिवस की ढेरों बधाइयां शुभकामनाएं दी। रिपोर्ट देखिए ऋषि पंडित के साथ। अरे इधर ओके। ठीक अखिलेश जी, राज भाई जन्मदिन आज कार्यालय पे मनाना चाहिए, तो हम लोग कार्यालय आए। यहाँ पर बहुत सारा प्यार मिला मुझे और जिले में कुछ बच्चे थे जिनकी जानकारी हम लोग को प्राप्त हुई जिनका जन्मदिन आज हमारे साथ था, उनका भी जन्मदिन हम लोग साथ में मना रहे हैं और बच्चे भी बहुत खुश हैं। बड़े भव्य तरीके से कार्यकर्ताओं ने तैयारी करी आज, बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आकर। और सभी कार्यकर्ताओं को और सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आज मिलने के लिए हमसे। देखिए, संकल्प हम लोगों का यही है कि जनता की सेवा करनी है और किसी भी तरह किसी भी हालत में करनी है। जब जनता ने पहले आशीर्वाद दिया था तो हम लोगों ने फिरोजाबाद के लिए कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ कार्य नहीं कर सके हों, और ये सरकार है ये कहीं ना कहीं जनता के खिलाफ ही है। ना विकास के काम हो रहे हैं, जनता तराई तराई चिल्ला रही है, तो इस जनता की किस तरीके से सेवा कर सकते हैं, उनको रोजगार मिले, विकास के कार्य हो सके, झूठे मुकदमे में ना फंसे, और यही काम है जो हम लोग आगे करेंगे। और आज जन्मदिन के मौके पर फिरोजाबाद में तो हम लोग संकल्प भी मैंने लिया है कि आने वाले समय में चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद जब पुनः सांसद बनाकर यहाँ की जनता भेजेगी, इनके लिए पुनः जैसे पहले काम करें वैसे करने की हमारी दिखाएंगे। क्योंकि जब मैं पहली बार फिरोजाबाद आया था तो मैंने सबसे पहले कहा था कि फिरोजाबाद में गंदगी बहुत ज़्यादा है, उस गंदगी को ख़त्म के लिए हम लोग बाध्य थे, हम लोग उनमें काम भी चालू करा और फिरोजाबाद शहर को स्मार्ट सिटी में भी कोशिश करके हम लोग लेकर आए उस समय। लेकिन जो वादे करे गए सरकार के द्वारा वो वादे नहीं हो सके। तो एक तो है जो फिरोजाबाद में गंदगी है वो ख़त्म होनी चाहिए, लेवर सिटी है, बीमारियां बहुत फैलती हैं, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होनी चाहिए, लोगों को रोजगार प्राप्त होना चाहिए, और ये हैंगी 3-4 चीज़ें हैं जिन पे हम लोग लगातार काम करेंगे। जो नए रोजगार पैदा होने चाहिए उसके लिए जो हम लोग कर सकते हैं वो भी आगे काम करेंगे। जब आप जैसे विदेश में कहीं जाओ और आपको कोई हिंदुस्तानी मिल जाता है तो आपको एक खुशी का अंदाज़ अलग होता है, तो उसी तरह जब मेरा जन्मदिन और मेरे जन्मदिन के साथ दूसरों का जन्मदिन है वो साथ में हो जाए तो वो भी एक खुशी का जो पल है वो अलग होता है। और ये बड़ा अच्छा लगा और इन बच्चों में अपना भविष्य जो है, जो माने अगर हम इस उम्र के होते और हमने ऐसे जन्मदिन मनाया होता तो ये भविष्य है हमारा, इन भविष्य को हमें एक्सपोजर भी देना। और आज ये देख रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां भी इतने लोग जुड़े होते हैं, किस तरीके से काम करती हैं, तो इनमें से कोई आगे राजनेता बने ऐसी भी हम भगवान से प्रार्थना करेंगे और जनता के लिए विकास का काम करें, मेहनत करें, समाज के लिए आगे निकलें, यही इनके लिए हम भगवान से प्रार्थना और दुआएँ करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण इस समय समय चल रहा है वोट बनवाने का, सभी कार्यकर्ता मेहनत करके अपने बूथ पर वोट बनवाने का काम करें। अगर
जिस तरह बीजेपी ने पहले वोट काटने का काम करा था, उनको आइडेंटिफाई कर लें और उनको पुनः बनवाने का काम करें, यही मैं जनता से अपील करूँ। जनता से आज बर्थडे गिफ्ट सबसे बड़ा यही होगा कि समाजवादी पार्टी को मजबूत करें और आने वाले समय में जो पार्टी भ्रष्टाचार और आपराधिक मामलों में और जो किसान विरोधी और समाज की विरोधी सरकार है उसको हटाने का काम करें। क्यों आए हो यहाँ पे, क्यों आए हो? किसका बर्थडे है? अच्छे यार। तो आपको यहाँ कौन लेके आया? सर। आपका यार जन्मदिन हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। क्या क्या कहना चाहोगे अच्छे यार के लिए? कैसे अच्छे यार देखा? फोटो में कौन है? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? लंदन किड्स स्कूल। अगर कहाँ पे आए हो? सबका में। सबका। यहाँ पे क्या है यार? यहाँ पे मेरा बर्थडे। किसका सेलिब्रेशन हो रहा है? श्री नाम बताओ। मेरा और अच्छे यार। इनका और अच्छे यार का। कौन है ये अच्छे यार? हमारे सांसद। तो आप क्यों आए हो यहाँ, कौन लेके आया आपको? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। तो आज नेता के साथ बर्थडे मनाएंगे आप, गिफ्ट भी मिलेंगे? कैसा लग रहा है आज आपको बेटा? अच्छा। क्यों अच्छा लग रहा है आपको? सीधे बैठे आपको फोटो भी लगाएगा? फोटो लगा क्या है आज यहाँ? जन्मदिन। किसका? अच्छे यार का, हमारा भी है। अच्छा, तो आज आपको यहाँ कौन लेके आया? सर। तो आज आपका यहाँ जन्मदिन मनाया जाएगा, कैसा लगेगा आपको? अच्छा। अच्छे यार कौन है? नेता। कैसे नेता है? अच्छे। कभी देखा है आपने? फोटो में देखा है। आज आपका यहाँ जन्मदिन मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा सजाया अच्छा लग रहा है, फोटो भी लगी है।